तो हर और महादेव सभी को। तो सावन चल रहा है तो सोचा आपको एक ऐसा शिव मंदिर दिखाते हैं जिसकी बहुत सारी पुरानी कहानियाँ भी है। तो सावन में आपको एक चीज़ तो सभी को पता ही होगी कि कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, पर आप लोगों को पता है कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा किसने निकाली थी? तो सबसे पहली कांवड़ यात्रा परशुराम जी ने निकाली थी, और वो जल उन्होंने ला के कौन से मंदिर में चढ़ाया था? तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही है वो मंदिर। इसे पूरब महादेव मंदिर कहा जाता है और परशुराम जी का महादेव मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने हरिद्वार से जल ला के यहीं चढ़ाया था सबसे पहली कांवड़ यात्रा में। तो आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बताते हैं और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और अंदर कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे आप जल चढ़ा रहे हैं, ये सब दिखाते हैं इस ब्लॉग में आपको। पूरब महादेव मंदिर जहाँ सबसे पहले कांवड़ यात्रा लाकर महादेव का जल अभिषेक किया गया भगवान परशुराम जी के द्वारा। पूरा महादेव मंदिर जिसे परशुरामेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास बागपत जिले पे बलोनी कस्बे में एक छोटे से गांव में हिंदू भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इसे एक प्राचीन सिद्धिपीठ भी माना गया है। लाखों शिव भक्त सावन और फाल्गुन माह पे हरिद्वार से कांवड़ में गंगा का पवित्र जल लाकर यहाँ पे शिव जी का जल अभिषेक भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूरा महादेव मंदिर काफी पहले यहाँ पर कजरी वन हुआ करता था। इस वन में ऋषि अपनी पत्नी रेणुका सहित अपने आश्रम में रहते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडनी नदी से जल भर कर लाती थी। वह जल शिव को अर्पण किया जाता था। औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। कई बार हथौड़ों से प्रहार किया गया जिससे शिवलिंग पर कुछ चोटें तो पड़ी परंतु शिवलिंग टूटा नहीं। उसके बाद भी हाथियों के द्वारा इस शिवलिंग को खाड़ने की कोशिश की गई पर शिवलिंग उखड़ा नहीं। माना जाता है ये शिवलिंग कई सौ वर्ष पुराना और प्राकृतिक शिवलिंग है। अब बात करते हैं आपको इस मंदिर में आना कैसे है। तो इस मंदिर में आने के लिए आपको दिल्ली से अगर आप आ रहे हो तो दो रास्ते हैं। एक आप मेरठ से आ सकते हैं गाजियाबाद होते हुए, मोदी नगर से होते हुए यहाँ पे, और दूसरा रास्ता है बागपत का। तो ये दोनों रास्ते हैं, इन दोनों का मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो अगर आप बागपत वाले रास्ते से आ रहे हैं तो ये आपके बागपत से दिल्ली से पड़ेगा अराउंड 60-65 किलोमीटर, और अगर आप मोदी नगर गाजियाबाद होते हुए आएंगे तो ये आपको अराउंड 70-75 किलोमीटर की दूरी में पड़ेगा। तो पूरा महादेव मंदिर जाने के बाद ये बागपत से थोड़ा अंदर की तरफ गाँव वाला रास्ता है जो आप देख सकते हो। दोनों तरफ खेत चल रहे हैं और बीच में से रास्ता है, और यहाँ से मंदिर सिर्फ अब 2 किलोमीटर रह गया। 2 किलोमीटर जो कि 3 मिनट दिखा रहा है क्योंकि खाली रास्ता पड़ा है। और ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर मेरी स्कूटी चल चुकी है, अब चल रहे आगे। तो ये थोड़ा गांव वाला रास्ता है, तो थोड़ा दिन के टाइम इस मंदिर में आना, वैसे भी 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है तो थोड़ा जल्दी ही आए। अब चलते हैं अंदर फटाफट मंदिर के लिए। रास्ता आपको दिखा दिया कैसा है, बाकी बाहर जो था अभी तक बिल्कुल सही था, हाईवे बहुत अच्छा चल रहा था। अब थोड़ा एक गाँव वाला रास्ता है, अब चलते आगे की तरफ अपने राम प्यारी के साथ। तो हम लोग बिल्कुल मंदिर के पास आ चुके हैं। सामने मंदिर का गेट है, यहाँ का गेट है, बिल्कुल मंदिर के पास आ चुके हैं। अब चलते हैं अंदर। ये रहा यहाँ का श्री परशुराम सेवर महादेव मंदिर का बोर्ड इनका, और यहाँ से इनके अंदर है। बाहर प्रसाद की दुकानें हैं, थोड़ी अंदर भी प्रसाद की दुकानें लगी हुई है। तो पार्किंग देखते हैं पहले, आई थिंक हाँ। तो ये इधर की पार्किंग आप कहीं भी लगा सकते हो पार्किंग में स्कूटी, तो यहाँ लगा देते अपनी स्कूटी। तो ये है मंदिर की पार्किंग पूरी, जहाँ पार्किंग लगी हुई है, और बाहर थोड़े खाने की दुकानें लगी है, और ये यहाँ पे प्रसाद के स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो ऊपर चढ़ाने के लिए। सामने गेट और वहाँ से स्टेयर्स है मंदिर में जाने के। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और मंदिर आपको पूरा दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे प्रसाद है, ये 20 रुपये का, और उससे ऊपर जिसमें शहद और कलावा फूल और प्रसाद ये 51 रुपये का, और ऊपर नारियल के साथ है ये 101 का। और यहाँ पे आपको चंदन का टीका वगैरह मिल सकता है, बाकी जल कह रहे हैं ऊपर मंदिर में मिल जाएगा लोटा लेके। तो चलते हैं ऊपर देखते हैं जल कैसे मिलता है। और ये यहाँ से स्टेयर्स जहाँ से हमें ऊपर जाना मंदिर के लिए। तो मंदिर आई थिंक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब तीसरे या चौथे मंदिर में मंदिर है, और ये इसके जीने लगे हुए जाने के लिए। बंदर बहुत सारे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा बंदर से अपने सामान का। तो
मंदिर की लाइन है जो अभी तो खाली है, लेकिन सावन के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बताते हैं। और अभी मंदिर बिल्कुल खाली है, यही है मेन मंदिर, इसके अंदर चलते हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। तो मंदिर के पास से आपको ये लोटा मिल जाएगा और यहाँ भर में लगे हुए हैं, यहाँ से आप जल भर के अंदर चढ़ा सकते हैं। तो जल भरते हैं फिर अंदर चढ़ाते हैं मंदिर। बाल पूरे खराब हो रहे हैं स्कूटी चला के। तो ये मंदिर की स्टेयर सामने, यहाँ से हमने लोटा लिया था, यहाँ घंटा हरा। तो ये मेन शिवलिंग जो आपको देखने को मिलेगी, इसकी आप पूजा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं काफी पुरानी शिवलिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी हथौड़े से, और ये उसके निशान, ये सारे टूटा हुआ है यहाँ से हथौड़े के जगह से। और आप दूर से शिवलिंग को देखेंगे तो ये थोड़ा सा बैंड है लेफ्ट साइड की तरफ। तो हाथियों के द्वारा चैन से बांध के इसको खाड़ने की भी कोशिश करी गई थी औरंगजेब के द्वारा, पर ये ना ही पूरा टूटा गया और ना ही वो ढंग से उसे उखाड़ पाए, पर इसमें निशान अभी भी है जो इस पर हथौड़े चलाए गए थे। तो सामने ही मंदिर है, और अभी तक मैंने कोई रुद्राक्ष का पेड़ देखा नहीं था, तो इन भाई ने बताया है मुझे अभी कि ये रुद्राक्ष का पेड़ है, वैसे भी जाल में रख रखा है, पर अभी इसमें कोई रुद्राक्ष आया नहीं है। तो इस मंदिर के पास रुद्राक्ष का पेड़ भी है और इसको पूरा बंद ही रख रखा है, अभी इसमें रुद्राक्ष आया नहीं है, आएंगे ऐसा बोला गया। तो ये ऐसा होता है कुछ रुद्राक्ष का पेड़। और सामने ही है पूरा महादेव मंदिर। तो ये था हमारा पूरब महादेव मंदिर का व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया हो। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और किसी को बताना चाहते हो इस मंदिर के बारे में तो उसके अंदर वीडियो शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।